हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि वेगन डाइट क्या है। वेगन लोग हनी, एग, जेलेटिन या डेरी सहित एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं खाते हैं। वेगन डाइट को प्लांट बेस्ड डाइट भी कहा जा सकता है, जिसमें पौधों से बने भोजन खाना भी शामिल होता है। असल में कुछ भी जानवरों से संबंधित हो, चाहे वो कपड़े, साबुन या अन्य प्रोडक्ट्स हो, उसका इस्तेमाल नहीं करते। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एक वेगन भोजन एक बहुत ही स्वास्थ्य विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह लो है सैचुरेटेड फैट्स में और पोषक तत्वों में भी रिच है। लेकिन प्लानिंग के बिना एनिमल फ्री डाइट शुरू करने से कुछ स्वास्थ्य समस्याओं भी हो सकती है। सभी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल अब नॉन एनिमल सोर्सेज से आने चाहिए, एंड इसीलिए भोजन विकल्प और तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका शरीर पहले ही एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन, मिनरल और विटामिन खाने के लिए एडजस्ट हुआ रहता है। एक पोल के मुताबिक अमेरिका में लगभग 2.5% लोग वेगन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वेगन डाइट के पीछे के तर्क में जानवरों, पर्यावरण संबंधित चिंताओं को रोकना, वजन कम करना, मुहासे को ठीक करना या स्वास्थ्य जीवन शैली का नेतृत्व करना शामिल है। वेगन वर्सेस वेजिटेरियन, अंतर क्या है? मुख्य अंतर ये है कि वेजिटेरियंस मीट नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे खाते हैं, जबकि वेगन पूरी तरह से किसी भी जानवरों के प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वेजिटेरियंस के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को सब्स्टिट्यूट करना नेसेसिटी नहीं है। वे अभी भी दूध से कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वेगन्स के लिए उन्हें कैल्शियम का एक प्लांट बेस्ड सोर्स मिलना चाहिए। वेगनिज्म विभिन्न प्रकार के जीवन शैली विकल्प को दर्शाता है, जो पशु उत्पादों को खत्म करता है, जबकि वेजिटेरियनिज्म एक डाइटरी चॉइस है। वेगन डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स। एक वेगन डाइट से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह पूरी तरह के प्लांट बेस्ड डाइट के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य के लिए की न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, और यह हानिकारक एनिमल फैट्स खाने का रिस्क भी समाप्त करता है। नो एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसे और भी बीमारी शामिल है। इन आहारों को नहीं खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बहुत कम हो सकता है। वेगन डाइट में फल और सब्जियां, फाइबर और विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा होती है। ये विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए माना जाता है। हेल्प्स विद बोन हेल्थ। बोन और टीथ हेल्थ के लिए कैल्शियम आवश्यक है। एक वेगन के लिए अंजीर, पालक, ब्लैक आइड पीस आदि कैल्शियम का एक बड़ा सोर्स हो सकता है। वेगन के लिए सोया दूध, बादाम का दूध और यहाँ तक कि वेगन चीज जैसे विकल्प लोकप्रिय हो रहे हैं। बोन्स को विटामिन डी और के, पोटेशियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता हो सकती है। सोया, फलों और कुछ सब्जियों में ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में शामिल होते हैं। हेल्प्स विद क्रोनिक डिजीज। प्लांट बेस्ड डाइट क्रोनिक डिजीजेस लाइक टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अदर प्लांट कंपाउंड्स भी विभिन्न जीन्स को प्रिवेंट करते हैं, जो लिंक्ड है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आर्टेरियल प्लेग और ट्यूमर से। तब देखते हैं कि वेगन फूड में क्या इंक्लूड होता है। यह वो लिस्ट है वेगन फूड की, जिनमें न्यूट्रिएंट्स, टेक्सचर्स एंड फ्लेवर्स शामिल है, जो मीट में भी होते हैं। टोफू, मशरूम, पोटैटोज यानी आलू, जैक फ्रूट यानी कटहल, बैंगन यानी एग प्लांट, मसूर की दाल यानी लेंटिल्स, बीन्स, गोभी यानी कॉलीफ्लावर, बीट और अन्य सब्जियां और फ्रूट्स भी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल आज का गुरु। थैंक यू।